ये लोगों के किए मूत में पड़ी सब्जियां भी खिलाएंगे और नाले में मिली पोटी भी चटवाएंगे। तैयार हो जाइए फिर एक और धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए, जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे ऐसा खाना आखिर हम कब तक खाएंगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। खट्टी मीठी झाल मुरी या फिर कहो भेल मुरी आपने बेशक कभी ना कभी खाई होगी, लेकिन दुआ कीजिए आपको कभी ऐसी झाल मुरी ना खानी पड़े, क्योंकि इसमें खटास से कहीं ज्यादा इनको बनाकर बेचने वालों का पसीना और हाथों में चिपके गंदे कीटाणु और बैक्टीरियाज उस झालमुरी में साथ में परोस कर दिए जाएंगे। आप खुद सोचिए ग्लव्स के भला कितने रुपए लगते हैं, लेकिन फिर भी ये खुले नंगे हाथों से पूरा मसाला मिक्स करते हैं और उसके बाद ये काले पीले हाथों से जो झालमुरी देते हैं, सही मायनों में उसे गली का कुत्ता भी ना खाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े चाव से इसे चट कर जाते हैं। ये किस्सा यही नहीं रुकता साहब, ठेला चाहे झालमुरी का हो या पुचके बेचने वालों का, ऐसा कांड लगभग हर जगह चल रहा है। मार्केट में कई ऐसे पुचके यानी पानीपुरी बेचने वाले भी हैं, जो हाथों में पहने जाने वाले ग्लव्स किसे कहते हैं ये इनको मालूम ही नहीं है। और हैरत तो तब होती है जब ये सबके सामने में कुछ यूं मसालों को और बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, जिसे देखकर माइंड में किसी और ही तरह की चीज का विजन आ जाता है। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि घेरा बनाकर बैठे इन लोगों में से किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वे खा क्या रहे हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में बताना आप ये पानीपुरी कितनी खा सकते हैं। एक बात बताना आप लोग, अक्सर जब आप कहीं बाहर गए हुए होते हैं तो रेलवेज और बस स्टैंड पे मौजूद टॉयलेट्स को बेशक आपने इस्तेमाल किया होगा। क्या हो अगर आपको कोई कहे कि आपको उसी जगह में पड़ी सब्जियां खानी है जहां अभी आपने मूता हो, दिमाग की बत्ती गुल हो गई ना। लेकिन चौंके नहीं, आप ऐसी सब्जियां खाते हैं, यकीन मानिए। ये हरियाणा के हिसार के बस स्टैंड की वीडियो है, जहां अक्सर इस ठेले वाले की सब्जियां इसके पीछे बने पब्लिक टॉयलेट्स में गिर जाती हैं और ये उनको उठाकर बेच देता है। सच्चाई हमने आपके सामने रख दी है, अब तो बस आप ये सोचिए कि आपने जो सब्जियां खाई उस वक्त उस जगह किसने पेशाब किया होगा। अब हर जगह तो पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे नहीं, इसलिए कुछ सब्जी वालों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। ये जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह नहीं हुए तो क्या हुआ, गटर तो है जो हर गली हर नुक्कड़ पर खुले मिल जाएंगे, हमको क्या है हम उनसे काम चला लेंगे। अरे दोस्त, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, पक्के फैक्ट्स और पक्के सबूतों के बेसिस पर ही कुछ बोलते हैं, और ये वीडियो क्लिप दिखाने के बाद शायद ही हमें इस पर और कुछ बोलना पड़े। ये नीच गटर के पानी से सब्जियां धोता है और उनको ठेले पर रख देता है। अब जरा आप सोचिए, जिस गटर से इसने टमाटर धोए उसमें पेशाब से लेकर पोटी तक क्या कुछ नहीं मिला होगा। सोचने वाली बात है भाई। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे इन लोगों की हिम्मत देखनी है आपको। आइए देखिए इन महानुभावों को। सब्जियां धोनी इनको इतनी जरूरी है कि फिर भले ही उसको बीच सड़क गटर में डुबो डुबो कर उसको क्यों ना धोना पड़े, फिर चाहे उनको रेलवे के नालों में ही क्यों ना डालना पड़े, लेकिन ये सब्जियां धोएंगे। बिना सड़क पब्लिक के सामने ऐसा कांड करने के लिए भी हिम्मत चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन इनमें ऐसी हिम्मत कूट कूट कर भरी है। और फिर क्या, इन्हीं गाजर और मूलियों को कुछ लोग घर पर बिना धोए चट कर जाएंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो मूली या गाजर गटर में धुली थी या रेलवे के नालों में पड़ी पोटी में, आया कुछ समझ में। इन सबसे कहीं ज्यादा गंदे कांड तो कुछ किसान भाई कर रहे हैं, जो ऑक्सीटोसिन नाम के एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करके सब्जियां उगा रहे हैं, जो उगने के बाद एक हफ्ते में बड़ी होने वाली सब्जी या फलों को रात भर में ही बड़ा कर देती है। आपको लगता होगा ये सब्जियां बेचकर पैसा कमाते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि सही मायनों में देखा जाए तो ये सब्जियों से कहीं ज्यादा जहर बेचकर पैसा कमा रहे हैं। रात को एक इंजेक्शन ठोका और सुबह को लौकी तैयार है।
है ना कितना फास्ट काम। ये सुनकर चौंकेंगे जरूर, लेकिन फिर भी बता दे कि एक्सपर्ट लोग इसी ऑक्सीटोसिन को मीठा जहर भी बुलाते हैं, जो कब असर करेगा ये आपकी किस्मत तय करेगी। इतना कुछ देखकर भी आप नहीं संभलेंगे तो हमें ना आपकी सोच को बदलने के लिए, जनाब मार्केट में जो दिख रहा है और जो बिक रहा है वो असल में वही हो ये जरूरी नहीं है। नहीं समझे तो इसे देखकर समझ लीजिए। चीन ने अब जाकर नकली सब्जियां बनानी भी शुरू कर दी हैं, और इसका एक छोटा सा नमूना अभी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जनाब यहाँ एक नकली पत्ता गोभी को बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने बस दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स लिए हैं, और लीजिए तैयार है आपकी अपनी आर्टिफिशियल पत्ता गोभी। ऐसे में अगर आपको ये जानना है कि आपके घर में आई पत्ता गोभी क्या सच में असली है या नकली, तो इसे सिंपली कुछ यूं गैस पर जलाकर देख लीजिएगा। असली होगी तो जल जाएगी, वरना अगर प्लास्टिक टाइप का कुछ होगा तो जलेगा नहीं और बच जाएगा कुछ ऐसा चाइनीज माल। केमिकल्स के इंजेक्शन से पैदा हुई सब्जियों से लेकर आर्टिफिशियल सब्जियों तक तो आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन एक ऐसा केमिकल जो मरी हुई सब्जियों में भी जान डाल दे ये भी देख लीजिए। ये सब्जियां सड़ चुकी है, मगर एक बार केमिकल से क्या निकाला इनमें तो जान आ गई। अब ऐसी जान भला कब किसकी जान ले ले, ये आपका नसीब ही जाने। इतना सब कांड होने के बाद अगर सामना ऐसे सब्जी बेचने वालों से हो जाए तो फिर कहने को बाकी ही क्या रह जाएगा। अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड स्कैम का ये दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा? और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका तीसरा पार्ट भी बना दें तो नीचे दिए सुपर थैंक्स के बटन को जरूर दबाइए, बाकी वीडियो को लाइक तो करना ही है। दोस्तों अगर आपको चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी एक से बढ़कर एक वीडियोस हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, वो भी आपकी पसंदीदा फरमाइशों के साथ।